तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं राइड पे ड्रैगन को लेके, चलते हैं। हमारे दो तीन फ्रेंड भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है बाइक पे, तो चलते हैं। आज हमारे फ्रेंड्स भी हमारा वेट कर रहे हैं आगे। तुम्हारा भाई लेट हो चुका है, तो वो आगे गफ्फे दे रहे हैं। हनी भाई क्या कर रहे हो आप, लेट हो गए? तो चलते हैं आज, थोड़ा खींच के ही चलेंगे, थोड़ा उनके पास पहुँचना है। जल्दी जाएंगे हम, पहले जाना है हमने परनाड़ा वाली साइड, उधर से फिर देखते हैं। क्या पता मानसर मूनसर जाएँ, मानसर लेक जो है। तो बाइक को पता नहीं क्यों मैंने न्यूट्रल वगैरह कर दिया ऐसे ही बिना वजह। बाकी भाई सबसे पहले भाइयों को जय श्री राम। तो ये देख सकते हो झंडा वगैरह जय श्री राम का लगाया है मैंने। तो आज आपको पता ही है 22 तारीख है, 22 तारीख है आज जनवरी की। तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी हमारे हिंदू भाइयों को सभी को पता है क्या है आज, कौन सा दिन है। तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया जय श्री राम। तो कमेंट में बोल देना जो जो कट्टर हिंदू है हमारा भाई, ठीक है। तो बाकी आज हम जा रहे हैं, रैली वगैरह तो नहीं है, हमारे फ्रेंड ही जा रहे हैं, चार पांच बंदे हैं हमारे से। लेकिन बोल रहे थे झंडे वगैरह लेके मानसर जाएंगे मंदिर में, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी कर लेते हैं आगे। ये क्या सीन चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता है भाई। जय श्री राम भैया। तो अब मैं प्रसाद वगैरह खाना पड़ेगा पहले, फिर इधर से निकलते हैं। बाइक इधर की थी मैंने साइड पे खड़ी, और प्रसाद वगैरह तो हमने खा लिया। तो भाई आगे लगा नाका वगैरह, मामू वगैरह आगे खड़े हैं दो। तो ये हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, अभी तुम्हारा भाई पहुंच गया कुछ इस तरह के लोकेशन पे। भाई चेक करो, इधर लगाते हैं तुम्हारा भाई बाइक, ठीक है। भाई तुम्हारा भाई अभी उधर से निकल चुका है, तो अभी मैंने जाना है अपने एक और भाई को लेने। मेरे ताऊ का लड़का है इधर, कौशल भाई, कपू कपू बोलते हैं उसको, उसको लेने जाना पड़ा यार। वो फोन कर रहा है कि मैंने भी जाना है, तू मुझे भी ले चल वगैरह। तो मैं बोल रहा था मेरे हमारे दो तीन फ्रेंड्स जा रहे हैं, वो रैली वगैरह नहीं है, लेकिन इधर तो पूरी रैली वगैरह निकल रही है। मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते, लेकिन हमारे इधर ऐसे जंकी वगैरह बोलते हैं। वो जा रहे हैं, मतलब बड़े बंदे जा रहे हैं यार। मैं बोल रहा था दो तीन फ्रेंड्स जा रहे हैं मेरे, उन्होंने बोला कि दो तीन बंदे हैं, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं और ऑटो वगैरह लोड करी वगैरह, उनमें से पता नहीं क्या स्टिकर वगैरह लगाए हैं श्री राम जी के फोटो वगैरह। मतलब बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया यार उन्होंने। मैं तो सोच रहा था ऐसे ही हम जा रहे हैं राइड करने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई का दिल खुश हो गया ये देख के। उधर तुम्हारे भाई ने ये मतलब कैमरा वगैरह ऑफ ही कर दिया यार। मैंने बोला क्या कैमरा ऑन करना है, लेकिन आते वक्त अभी मैं कौशल भाई को लेके आता हूँ, कपू भाई को। तो ओ भाई, तो फिर करते हैं कैमरा ऑन, फिर आपको दिखाएंगे सब कुछ जब हम इधर से निकलेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि पांच बाइकें हमारे साथ, लेकिन यार बाइकें काफ़ी ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ वगैरह ट्रैक्टर वगैरह हैं, मतलब बड़े सारे बंदे जा रहे हैं। मैंने सोचा कोई नहीं जा रहा है, तुम्हारे भाई का तो मोए मोए हो गया यार। तो गाइस हमें कुछ मिल चुके हैं हमारे फ्रेंड्स, ये जिसको हम फैन भी बिग फैन है ना, तो जिनको और भाई बढ़िया, तो जिनको मैं लेने जा रहा हूँ कपू भाई को, ये उनके भाई हैं, चाचू के लड़के, तो मेरे भी भाई हैं। और भाई कहाँ जा रहे हो, मंदिर? अच्छा, तो जय श्री राम बोलना तो भूल ही गए। जय श्री राम, जय श्री राम, हो जाए घर में जाते कुत्ते वगैरह पड़ जाए। तो ये रहे हमारे कपू भाई। कपू भाई कैसे हो, और बताओ बाकी मस्त? तो ये रही कपू भाई की बाइक, और चले फिर रेडी हो? ये किसका है? हाँ, तभी हम आ चुके हैं कपू भाई के घर से बाहर। तो अभी कपू भाई चला रहे हैं बाइक आराम से, आराम से, आराम से, आराम से यार। कपू भाई फट रही है। कपू भाई यार क्या कर रहे हो यार, तुझे तेरे बाप की लगे यार। आराम से यार, फट रही है तेरी कसम, फट के चार हो गई है कपू भाई। आराम से यार, आराम से। तो भाई ऐसा ना हो तुम्हारा भाई पीछे से गिर जाए। ओ आगे देख ले, गाड़ी नहीं आए आगे से। कपू भाई यार आराम से यार। तो अभी तुम्हारा भाई आ गया बाइक पे, तो पहुंच चुके हैं इधर। विशु भाई को किया था फोन, वो बोल रहे हैं आ रहा हूँ मैं। तो अभी हम चलते हैं आगे, विशु भाई से मिलते हैं। मिल तो लिया विशु भाई से, पहले भी वो बड़े ज्यादा बिजी थे हमारे साथ, उन्होंने बात वगैरह की जल्दी जल्दी में ही कि ये रहे अपने बंदे जय श्री राम। तो भाई अभी बाइक लगाते हैं इनके साथ ही, ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई कटिंग करते हो, पीछे देखना कपू भाई गाड़ी है, उतरना पड़ेगा पीछे। नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय श्री राम भाई। ये देखो ये हमारे फ्रेंड्स हैं, दो तीन बोल रहे थे फ्रेंड्स जा रहे हैं, लेकिन काफी सारे बंदे जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाकी चलते हैं इधर से। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
भाई अभी निकल रहे हैं इधर से, जय श्री राम का नारा लगाते हुए। किस पे गया विशु भाई? कहाँ पे मुझे नहीं दिख। विशु भाई कहाँ है? वो बैठा हुआ है। किस पे बैठा है वो? कुर्सी पे बैठा है, घूम के बैठा है वो, कैमरा शूट कर रहा है भाई। अच्छा अच्छा तो चलते हैं। कहाँ पे है वो? विशु भाई आगे है। जय श्री राम। तो वो रहा विशु भाई हमारा कैमरा वगैरह आगे लेके। तो अभी चलते हैं, आराम से क्यों चलना, थोड़ा तेज चलते हैं, है ना। तो ये हमारे साथ आगे आगे देखो विशु भाई कैसे बैठे हैं। बाकी पीछे बड़ा ज्यादा काफिला आ रहा है हमारे साथ। जय श्री राम। कब्बू भाई चिल्लाते हुए चलो कैमरा माइक में आपकी बात आनी चाहिए। ओ भाई विशु भाई वाकई हमारा फोटो शूट कर रहा है। वैसे भी हम फोटो शूट इसी कैमरे से करते हैं, याद आ गया मुझे यही कैमरा है। कब्बू भाई तगड़ा वाला फोटो। जय सीताराम, जय सीताराम। भैया झंडा दे देना यार एक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान। भाई चेक करो, देखो काफला हमारा पीछे और भाई तुम्हारा आगे चलते हैं पैदल दिखाते हुए। चेक करो, तो भाई चेक करो आगे से पूरा वाला व्यू दिखाता है तुम्हारा भाई। चेक करो भाई, देख रहे हो पूरा काफला हमारे साथ और काफ़ी बंदे हमारे साथ पीछे भी हैं। तो बाकी अभी तुम्हारा भाई चलते हैं तुम्हारा वापिस। ये सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं भाई, ठीक है पीछे तक वो देखो पीछे अगर दिख रहे होंगे आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बाकी गिरना नहीं चाहिए कोई, मैं यही बोलूंगा। मुझे पता है, नहीं नहीं तू आराम से बैठ, मैं आराम से चलूंगा। मुझे पता है यार ऐसे सीन होते हैं, मतलब जब एक साथ चलते हैं ना तो काफी ज्यादा सीन होते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए यार, प्रभु राम जी की कृपा है हमारे ऊपर। तो भाई गिरना नहीं चाहिए कोई, बस मैं यही बोलूंगा। ऐसे चलेंगे आराम आराम से तो फिर तो ऐसे कोई वो नहीं हो जाए। इसके मैं बोल रहा हूँ थोड़ा तेजी चलो। तो अभी निकल चुके हैं हम फाइनली इधर से, जय श्री राम जी का नारा लगाते हुए। बाकी यार कोई सीन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हमारे आगे चल रहे हैं हमारे कैमरामैन विशु भाई। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भाई निकल चुके हैं हम जय श्री राम का नाम लेते हुए। बाकी मैं यही बोलूंगा सभी से, मेरे जितने भी भाई हैं, भाई आराम आराम से चलो और थोड़ा दूर दूर चलो यार, क्लोज भी मत चलो। अगर किसी के साथ ठुक गया ना ऐसे बिना वजह कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी यही बोलूँगा आराम आराम से ही चलो यार, तुम्हारा भाई तो कब से आराम से ही चल रहा है। अभी हमने जाना है मानसर वाली साइड, मानसर जाना है मंदिर में, फिर जाएंगे मनवाल वाली साइड, मुझे नहीं पता फिर कहाँ जाना है, लेकिन ऐसे बोल रहे थे मनवाल वाली साइड। आराम से ही चलो यार, कोई मतलब नुकसान वगैरह नहीं हो। हाँ मतलब ये ठीक है, मतलब एक अपोजिट चलो ना आप एक दूसरे के, दो दो बाइकर, एक बाइकर उधर एक इधर अपोजिट चलो, ठीक है। बाकी ऐसे तीन तीन चल रहे हैं साथ में, मतलब वो नहीं होगा ना फिर ऐसे कोई नुकसान वगैरह हो जाएगा किसी का। बाकी तुम्हारा भाई राम राम से चल रहा है। कब्बू भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी मेरे जितने भी भाई हैं यार लिख दो कमेंट में जय श्री राम और सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हम पहुंच चुके हैं मसालता मोड़, राम राम से चलते हुए प्रभु श्री राम जी का नाम लेते हुए। मसालता मोड़ हम पहुंच चुके हैं, बस प्रभु श्री राम जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे ऊपर। बाकी इधर भी कोई ठुकना नहीं चाहिए यार, मैं बस बार बार यही बोल रहा हूँ। बाकी इंजॉय करो यार, बाकी बस यही बोलूँगा यार आराम से ही चलो कोई, यार मैं बार बार बोल रहा हूँ आराम से चलो। वो देखो विशु भाई कहाँ से निकल रहा है, ये देखो भाई नहीं निकलो यार आराम से चलो, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे नहीं कोई ठुक जाए यार, ये एकदम से ब्रेक लगा रहे हैं सारे आगे। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। यार बिशु भाई बोल रहे हैं वेट करने के लिए, तो उधर कर लेते हैं उनका वेट। वो पीछे हैं अभी, गाड़ी पता नहीं क्यों खड़ी कर दी। बस बिशु भाई आज बिजी पड़े हैं, आज बिजी। कहाँ से? हाँ सही बात है, फोन नहीं उठाया उसने। कोई पता नहीं, मुझे फोन किया था इसने, फोन नहीं उठाया। बाकी यार ये कब्बू है इसका नाम, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम, चलो राम राम सही। जय श्री राम। ये तो अभी तुम्हारा भाई इधर रुका था, हनुमान मंदिर की तरह है, एक दर्शन करने के लिए झंडा साइड करना कहूँ भाई। हाँ आगे से दिखेगा। बाकी ये हमारी आगे जो रैली जा रही है पूरी, मैं इनसे आगे निकलता हूँ, थोड़ा आपको चेक करवाता हूँ, चेक करो ये देखो। जय श्री राम, बस चेक करो आप, देखो तुम्हारा भाई इधर आएगा, आगे अब आगे जाएगा, चेक करवाता हूँ आपको। तो ये देखो, चेक करो। बाकी मंदिर आपको दिखाते हैं। विशु कहाँ है? पीछे देखो गाड़ी है। ये रहा मंदिर, इधर लगाते हैं यार। वो रहा हमारा हनुमान मंदिर, बजरंग बली जी का। सूर्यवंशी हनी ब्लॉग्स, ठीक है, कर देना सर्च, ले लिया मैंने तुझे चैनल ब्लॉग में, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जय श्री राम बोलो, फेस मेरा रिवील कर दूंगा, फेस ही नहीं रिवील करना ना मैंने। समझ गया, बाकी दिखाऊंगा यार, बड़ा जल्दी दिखाऊंगा, टेंशन मत ले, इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, कर देना सब्सक्राइब, ठीक है मेरी जान। बाकी जय श्री राम तो आपने बोला नहीं यार, आवाज़ नहीं, ठीक है, जय श्री राम। हाँ नहीं यार, गेम वगैरह नहीं खेलता मैं, ठीक है। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रैली से बाहर, तो फाइनली भाई तुम्हारा भाई आ चुका है रैली में से फ्री होके, जय श्री राम, जय श्री राम के दर्शन। तो भाई ये देखो कबू भाई क्या कर रहे हैं, कबू भाई क्यों हंस रहे हो आप? बाकी ये देखो ड्रैगन की लुक चेक करो, जय श्री राम, बस कमेंट में लिख दो। तो तुम्हारा भाई आ चुका है, राइड वगैरह भी कंप्लीट हमने कर दी है, तो दर्शन वगैरह कर लिए हम रैली में गए थे, कैमरा मैंने कर दिया था ऑफ, ठीक है, एक सेकंड गाड़ी जाने के बाद नॉइस आएगी, तो कैमरा मैंने कर दिया था ऑफ। तो दर्शन वगैरह कर लिए हम रैली में से पूरा फ्री होके, और वो गए हैं मनवाल वाली साइड, तुम्हारा भाई आ गया टर्न लेके घर पे, क्योंकि घर से आ रहे थे फोन। तो मेरे भाई व्यू चेक करो यहाँ का थोड़ा, ये देखो। तो बाकी तुम्हारा भाई भी देखो, अब लुक चेक करो यार, ऐसे ही लग रहा है तुम्हारा भाई भी, ब्लॉग में जब हेलमेट लगाई हो तो बाल खराब हो जाते हैं। बाकी हमारे साथ हैं कब्बू भाई, ये रहे हमारे कब्बू भाई, तो कब्बू भाई भी अभी कब्बू भाई को जाना है छोड़ने के लिए, ये रोड में लिंक रोड में खड़ा हूँ उनके रोड में, कब्बू भाई के, तो उनको जाना है छोड़ने, कब्बू भाई को भी अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं। तो गाइस तो कब्बू भाई को छोड़ेंगे अब हम, तो अभी हम तो अभी हम जाएंगे कब्बू भाई को छोड़ने के लिए उनके घर पे, तो जहाँ से उनको पिकअप किया था जाएंगे उधर ही उनको छोड़ने के लिए उनके घर पे। तो पहले मैं उनके घर में गया था, कैमरा वगैरह ऑन नहीं किया, ऐसे रिलेटिव के घर में कैमरा ऑन करना अच्छा नहीं लगता। तो कब्बू भाई जो हमारे भाई हैं अभी उनको छोड़ के तो चलते हैं सीधा, मिलते हैं आपको दोबारा। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कब्बू भाई के घर के पास, पहुंचने वाले हैं, कब्बू भाई को उतारते हैं इधर और चलते हैं पहले कब्बू भाई को इधर उतारना। लेकिन ये कौन आ गया मेरी भाई के साथ? लो भाई आपकी है, लो खिंचा लो, एक सेकंड साइड पे लगाने दो भाई, देख रहे हो कब्बू भाई को छोड़ना था हमने आगे, लेकिन इधर हमारे कुछ भाई मिल गए हैं। कब्बू भाई खींच देना इसका फोटो। तो आप कहाँ होते हो, दुकान पे? अच्छा ये आपकी दुकान है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मेरे साथ भी ठीक ठीक, बैठ जाओ बाइक पे, कोई बात नहीं बैठ जाओ भाई। ये किसका, ये साइड करो इसको यार, हाँ भाई ठीक है, ओके सर, सब्सक्राइब किया ना चैनल, ठीक है ठीक है। तो ठीक है फिर कब्बू भाई को भी इधर ही छोड़ना हमने,
ठीक है, मिलेंगे फिर किसी दिन, ठीक है, लगाओ चक्कर मेरे पास, ठीक है आप, कोई नहीं आऊँगा मैं, ठीक है अभी चलते हैं मुझे, नहीं नहीं बस यार, ठीक है, बाकी आपके मोहल्ले के लड़के ही बड़े फ़ैन हैं, ठीक है आपकी आपकी वजह से, ठीक है, और बाकी ठीक है ठीक। तो भाई तुम्हारा भाई निकल चुका है, ठीक है, कबू भाई को हमने छोड़ दिया है, अभी हम निकल चुके हैं उधर से, अभी हमने जाना है घर पे सीधा, घर से भी आ रहे हैं हमें फ़ोन, तो ये देखो कुछ बच्चे वगैरह घर पे क्यों नहीं गया, नहीं ऑन है। तो भाई ये हमारे कुछ फैंस वगैरह हमें मिल गए थे इधर भी, तो उन्होंने रोक लिया था, ठीक है भाई चलते हैं फिर, ठीक है ओके भाई, ठीक है फिर भाई, तू ही ला ये शर्म करता है, चल ठीक है भाई चलता हूँ, ठीक है बाकी करना मुझे मैसेज वगैरह, ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई और भी अपने इधर फैन नहीं फ्रेंड ही बोलो यार, भाई है सारे अपने मिल गए थे, इन्होंने भी मुझे रोक लिया था इधर, हनी भाई यार गब्बू भाई ने बड़ा रोला जमा दिया अपने मोहल्ले में हमारा। तो अभी तुम्हारा भाई निकल चुका है यार इधर से, मिलती है आपको सीधा, मैं हाईवे पे ही मिलता हूँ अभी, ठीक है सीधा हाईवे पे मिलता हूँ आपसे, मैं पहुँच चुका है अभी हाईवे पे, क्या बोलते हो, आराम आराम से चलते हैं यार, क्यों गाड़ी को उड़ाना है इतना आगे, मैं इतनी दूर से आया हूँ, ठीक है रैली वगैरह में गए थे यार, मैंने कैमरा मैंने इसलिए ऑन नहीं किया यार, एक दो नंबर पे चल रहे थे गियर पे, मतलब उससे आगे गियर ज़्यादा शिफ्ट ही नहीं हो रहे थे, फिर आगे थोड़ी सी खींची हमने, दर्शन वगैरह कर लिए उधर से, फिर मैं आ गया जल्दी, वो भी पीछे उधर रह गए, फिर मैं आ गया जल्दी, पहले कर रहे थे फ़ोन भी, तू कहाँ गया कहाँ सुबह का फ़ोन नहीं उठा रहा तू ये वो, तो मैंने घर पर बताया नहीं था, घर पर था ही नहीं कोई, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया घर वालों ने, फिर मैंने बताया था उनको कि मैं जम्मू आया हूँ इस काम के लिए, साथ में ब्लॉग वगैरह शूट करना है, फैमिली मेरी ब्लॉग वगैरह शूट करने में कुछ नहीं बोलती है यार, मतलब सपोर्ट कर रही है मुझे जितना हो सकता है उनसे, बाइक वगैरह उन्होंने दिलाई, फ़ोन वगैरह, तुम्हारे भाई के पास दो फ़ोन लेके घूम रहा हूँ आज मैं, जल्दी कैमरा भी ले लूँगा मैं गोप्रो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, दो फ़ोन लिए, एक पॉकेट में पड़ा है ओके जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है और तुम्हारे भाई को अगर सपोर्ट नहीं मिले तो फिर क्या फ़ायदा यार, इसलिए घर वालों ने कुछ नहीं बोला, ब्लॉग करने गया था जा कर कुछ नहीं बोल रहे मुझे वो, उन्होंने क्या बोलना, ठीक है घर वालों की फैमिली की सपोर्ट है, मैं बाकी इंस्पिरेशन मेरा जो है वो आमिर माजिद है, ठीक है आमिर भाई को देख के ही मैंने ये मोटो ब्लॉगिंग का क्रेज़ है जो मुझे पड़ा, ठीक है मैं दुनिया का पता नहीं लेकिन यार मैं तो उनको फर्स्ट मोटो ब्लॉगर J&K का मानता हूँ, ठीक है हमारे जम्मू कश्मीर के जो है वो फर्स्ट मोटो ब्लॉगर आमिर माजिद, ठीक है बाकी हमारे काफ़ी ज़्यादा भाई भी है और, ठीक है अलियान भाई हैं अपने, मानिक भाई और अरमान राइडर अपने, बड़े सारे बंदे हैं, सैम स्टंट जानू स्टंट बड़े सारे, ठीक है अर्जुन ब्लॉग एक्स राजा DC ये भी सारे, मतलब अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया राइडर, लेकिन अपना फर्स्ट मोटो ब्लॉगर जो आमिर भाई है, ठीक है आमिर भाई को अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ मैं। तो ये कौन मिल गया हमें, चेक करो ये देख रहे हो कौन मिल गया, हमारे जिम के कोच सचिन भाई, ये चेक करो भाई मिल लिया, ये हमारे सचिन भाई थे कोच मेरे जिम के, अभी काफ़ी ज़्यादा बॉडी इनकी मतलब लूज़ हो गई है, मतलब 6 दिन की थोड़ी डाउन हो गई, अभी बीमार भी रहे बीच में ये, तो कोच है ये मेरे जिम के कोच, मेरे पर्सनल कोच जिनको बोलता हूँ मैं, पर्सनल कोच थे मेरे, तुम्हारे भाई ने भी जिम मारी है 7-8 मंथ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ था लेकिन तुम्हारा भाई यार वो बोलते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का था, और तुम्हारे भाई ने जल्दबाजी में सब कुछ किया और काम खराब कर दिया, मास गेनर वगैरह खा लिए मैंने, ट्रिपल XL रेड बैग का खाया और प्रोटीन वगैरह मतलब 4 डब्बे एक साथ खाया यार, प्री वर्कआउट क्रिएटिन वगैरह साथ में खाता रहा और बॉडी में साइड इफेक्ट हो गया यार, तो तभी तुम्हारे भाई ने जिम छोड़ दी, नहीं तो परमानेंट करनी थी, लेकिन कर लेंगे अभी भी दोबारा शुरू कर लेंगे, लेकिन अब देसी डाइट पे, समझ रहे हो ना देसी डाइट क्या होती है, उसके पहले भी तुम्हारे भाई ने देसी डाइट भी रखी थी साथ में, लेकिन फिर भी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में नुकसान कर दिया बॉडी का, इधर भी तुम्हारे भाई की जिम ये सामने फिटनेस प्लानेट मेरे उधर था, ये दोनों हॉल अपने जिम के थे, तुम्हारा भाई इधर आता था 5 शाम को पहुँचने वाला, अभी मैं घर पे आज के ब्लॉग को करते हैं यही पेंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई के चैनल को, जितने बंदे मेरे को देखते हैं ना उसमें से यार 90% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो यार क्या कर रहे हो इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है कमेंट शेयर लाइक तो कर देना भाई, सब्सक्राइब जो करेगा फिर शेयर तो कर देना वीडियो को, ठीक है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।